दूसरी जो सबसे बड़ी चीज जो आपने कहा कि अकारण प्रसन्नता, अकारण प्रसन्नता आना चाहिए, तो वो भी आ रही है। दूसरा क्या है कि जो प्रतिक्रिया रिएक्शन पहले कर देते थे इमीडिएटली, शर्मा जी जैसे ज्यादा गुस्सा थी हमारी भी, मगर अब वो रिएक्शन में जो है तुरंत, यानी जैसे किसी से रिएक्ट करने वाले हैं तो तुरंत सजगता टाइप ऐसी आ जाती है, मगर चूंकि मन की आदत रहती है वो कई जगह कर देते, खासतौर से घर वालों के लिए, मतलब बाहर कोई ऐसा रिएक्शन वाला नहीं है, 100% ही मतलब वो कम हो गई। घर में वो चूंकि कोई प्रोग्राम मिल गया, वो हमसे कुछ क्लियर कराना चाह रहे हैं, उनका कुछ जो है इस प्रकार का सोच, तो ग्रहणशील रहते हैं, हम ध्यान ज्यादा नहीं कर सकते, चलते फिरते 5 मिनट बैठ गए, 2 मिनट बैठ गए। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो कृतज्ञता उसके लिए, हमारी भी कृतज्ञता, अस्तित्व के साथ भी कृतज्ञता, और केवल एक ही उदाहरण दे रहे हैं कि हमारे भाई साहब की 13वीं 23 तारीख को हुई थी और हम जैतवन आना चाहते थे, हमारा रिजर्वेशन था मगर गाड़ी लेट हो गई थी तो नहीं आ पाए, तो हमने सब लोगों से यही कहा कि अस्तित्व हमारी उपस्थिति नहीं चाहती, इसलिए हम नहीं जा पाए, और मृत्यु भी हमने अपने भाई की देखी तो उससे डर कम हुआ है, मतलब क्योंकि जब वो हाथ चल रहा था, रात को भुट्टा खा रहे थे, दोनों घूमने जा रहे थे, और एकदम से स्पॉट डेथ हो गई, जब हमने तो कभी डेड बॉडी सर देखी नहीं थी, तो एक बार उनकी देखी तो वो हाथ उठा कर नहीं देखा, उस दिन से और कृतज्ञता आ गई कि जिंदा होने का बहुत बड़ा राज है, अस्तित्व के लिए बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने क्रोध कम होने की बात कही, इसको आपने रियलाइज किया, वो अच्छी बात। इसके लिए एक प्रैक्टिकल सजेशन मैं और दूंगा सारे सीकर्स को। स्पिरिचुअलिटी में अक्सर हम लोगों ने आजकल क्या है, प्रैक्टिकलिटी खो दी है और हम फैंटेसी में जीते हैं। अब किसी को हम कैसे तय करें कि स्पिरिचुअलिटी का क्या इसका इस समय चल रहा है सीन, तो मुझे लगता है कि हर साल एक साल में एक कोई तारीख तय करनी चाहिए या कोई हफ्ता तय करना चाहिए, जब हम बैठें और रिट्रोस्पेक्शन में पिछले अपने साल को देखें और देखें क्या क्या चीज़ें आप कम हुई हैं, किन किन चीज़ों में कितने कितने आपके डिग्री डेवलपमेंट हुए हैं, तो आपको भी पता चलेगा। नहीं तो अब कई लोग हैं 30 साल 40 साल से वो स्पिरिचुअल हैं, ध्यान में हैं, और पीछे लौट के कभी देखा ही नहीं, तो उनको पता ही नहीं चलता परिवर्तन क्या हुआ। क्रोध आता था, और हमेशा ध्यान रखिए मैं कहता हूँ, क्रोध नहीं आएगा ये कभी नहीं होगा, क्रोध आएगा, सारी नेचुरल हैपनिंग होंगी, इसलिए इस फैंटेसी में कभी नहीं जाएं कि ऐसा नहीं होगा। बुद्धों को भी आता है, गुरुओं को भी आता है, अगर कोई गुरु कहे कि मुझे क्रोध नहीं आता तो वो झूठ बोलता है। उसका टाइप हो सकता है, जैसे मेरा ही टाइप है, मेरे टाइप में मुझे ऑलमोस्ट नहीं आता, लेकिन जब आता है तब आता है, कभी कभी आ सकता है किसी बात पर, लेकिन यूं मेरा टाइप बस ऐसा ही है जैसा आप देख रहे हैं, तो 24/7 365 इसी टाइप में मैं मिलूंगा, लेकिन कभी कभी वो हो सकता है, तो दैट इज हैपनिंग। तो वो ना सोचें कि नहीं होगा, होगा, लेकिन क्या है कि उसका टाइप, उसकी ड्यूरेशन सब बदल रही होगी। अगर ज़्यादा देर रहता था तो कम देर रहता है, अगर आपने रिट्रोस्पेक्शन में देखा आप 1 घंटे उसमें फंसे रहते थे, अब आधे घंटे फंसे रहते हैं, फिर 15 मिनट फंसे रहते हैं, फिर 10 मिनट, फिर कभी कभी बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आपकी चीज़ पहुँची कि वो आते ही निकल जाता है, आया और निकल गया, तो आप बच्चों जैसे हो गए कि इधर से आप चीखे चिल्लाए उधर जाके बिल्कुल शांत हो गया, तो वो स्टेज हो गई। फिर चूँकि बच्चों से भी आगे हम चले जाते हैं अपनी मैच्योरिटी में, तो कभी ये होगा कि आया और आते ही आपने पकड़ लिया उसको कि आ रहा था, क्रोध आपके अंदर उठ रहा था, और उठते ही एक्सप्रेशन से पहले ही उसकी एब्सर्डिटी आपको नज़र आ गई, व्यर्थता नज़र आ गई कि कोई मतलब नहीं है, तो उठी तो थी लहर, और वो लहर उठने के किसी को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ, लेकिन आपको आया था। तो ये सब स्टेजेज होंगे, तो एक हर सीकर को ये मेरा सजेशन है, प्रैक्टिकल रेट्रोस्पेक्शन में अपने को एक बार बैठ के देखना चाहिए किन किन चीज़ों में हम कितना कितना अब चेंज ले आए हैं, कितना चेंज हमारे अंदर है, तो उससे हौसला भी बढ़ता है और प्रैक्टिकल भी नज़र आता है कि कुछ बदला है।